साक्षी एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। भाकपा का दिग्विजय को समर्थन। मध्य प्रदेश के भोपाल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का समर्थन करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा ने अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा है। भाकपा ने राज्य में 4 संसदीय क्षेत्रों में उम्मीदवार मैदान में उतारे है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव अरविंद श्रीवास्तव और सचिव मंडल सदस्य शैलेंद्र कुमार शैली ने कहा है कि भाजपा द्वारा भोपाल संसदीय क्षेत्र से प्रज्ञा ठाकुर को प्रत्याशी बनाने से भाजपा के मूल फासिस्ट चरित्र का पर्दाफाश हुआ है। उन्होंने आगे कहा, प्रज्ञा ठाकुर पर मालेगांव बम विस्फोट और सुशील जोशी हत्याकांड जैसी गंभीर वारदातों में प्रकरण दर्ज है। वह 9 साल जेल में भी रही है और फिलहाल जमानत पर है। सांप्रदायिक कट्टरपंथी प्रज्ञा ठाकुर का संसद में चुनकर जाना संसदीय गरिमा और भारत के संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए घातक है। इसलिए भाकपा ने कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह को समर्थन देने की घोषणा की है। भाकपा ने राज्य के 4 संसदीय क्षेत्रों शहडोल, खरगोन, बालाघाट और सीधी से भाकपा प्रत्याशी को चुनाव मैदानों में उतारा है। वही भोपाल संसदीय क्षेत्र में प्रत्याशी को मैदान में न उतारने का फैसला लिया है। भोपाल में 12 मई को मतदान होने वाला है। श्रीलंका विस्फोट, कमलनाथ भार्गव ने शोक जताया। श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर रविवार को हुए आतंकी हमलों में मारे गए लोगों के प्रति मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने गहरा दुख व्यक्त किया है। कमलनाथ ने सोमवार को ट्वीट कर कहा, आतंकवाद का कहर श्रीलंका के चर्च और होटलों में हुए आतंकी हमले में 215 से अधिक लोगों के मारे जाने एवं कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर से मैं आहत हूँ। मैं इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों की आत्मा की शांति एवं घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। राज्य के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने ट्वीट कर आतंकी हमलों का करारा जवाब देने की बात कही है। उन्होंने कहा, आतंक एक नासूर है, इसका खात्मा जरूरी है। वैश्विक स्तर पर आतंकवाद को करारा जवाब देने की आवश्यकता है। भारत का प्रत्येक नागरिक श्रीलंका के लोगों के साथ पूरी तरह से खड़ा है। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना मैं करता हूँ। ज्ञात हो कि रविवार को ईस्टर के मौके पर श्रीलंका में सिलसिलेवार 8 विस्फोट हुए थे, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।